मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम गहलोत ने धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा हड़पने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर शिकंजा कसने के लिए एक स्पेशल यूनिट गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग और अपराधों की रोकथाम के लिए लगाए गए रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशकों को हर दो महीने में कम से कम दो दिन रेंज का दौरा करने और रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक तीन महीने में इसकी समीक्षा होगी। सीएम गहलोत ने रेंज प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एडीजी स्तर के अधिकारियों को रेंज की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था की बेहतर निगरानी हो, जमीनी स्तर का वास्तविक फीडबैक सरकार तक पहुंच सके, उसके अनुरूप पुलिसिंग को बेहतर बनाने के निर्णय भी लिए जा सके। इससे पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी अपराधों और इनसे आमजन को होने वाली समस्याओं से सीधे रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए खुद को तैयार करे, पुलिस कर्मियों में संवेदनशीलता के साथ ही प्रोफेशनल अप्रोच विकसित हो। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के मजबूतीकरण और उन्हें संसाधन मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखेगी।